राधे राधे बच्चों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता की समाप्ति। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो डालें हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 10 संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी दूसरे तरीके से किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। किसी नागरिक की नागरिकता, किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। यह अनुच्छेद 10 में बोला गया है। अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति देता है कि वह नागरिकता से संबंधित विधि या कानून बनाए। तो इससे संबंधित नागरिकता अधिनियम 1955 हमारी संसद ने बनाया, तो उसमें नागरिकता समाप्ति के 3 आधार बताए। किसी नागरिक की नागरिकता को समाप्त करने के 3 प्रकार हैं, 3 आधार हैं, मतलब 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 1 परित्याग द्वारा, नंबर 2 पर्यावसान द्वारा, नंबर 3 वंचित किया जाना। तो इसमें नंबर 1 परित्याग द्वारा, इसमें बोला गया है कोई भी वयस्क नागरिक, भारत का कोई भी वयस्क नागरिक भारत की नागरिकता को त्यागने की घोषणा कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो वयस्क हो घोषणा करके भारत की नागरिकता त्याग सकता है। और इस तरह की घोषणा कौन करता है? जिसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। इस तरह की घोषणा कौन करेगा? जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। यह है पॉइंट नंबर 1 पर त्याग दो। नंबर 2 पर्यावसान। पर्यावसान में बोला गया है कि किसी व्यक्ति ने जिसने देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण की थी, किसी व्यक्ति जिसने देशीकरण या नागरिक देशीयकरण या रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, उसकी नागरिकता टर्मिनेशन या पर्यावसान हो जाएगी, माना जाएगा, यदि वह किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। यदि वह नागरिक जिसने देशीकरण या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, वो अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता का पर्यावसान हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 है वंचित किया जाना। नंबर 3 वंचित किया जाना, इसमें है कि वंचित कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। किसी नागरिक की जिसने देशीकरण या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, उसको भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है, उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके कुछ आधार दिए थे, उस नंबर 1 क्या है? संविधान में आस्था न रखना। अगर इस तरीके से नागरिकता ग्रहण करने वाला व्यक्ति संविधान में आस्था नहीं रखता है, संविधान को नहीं मानता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को छीन लेगी, उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। नंबर पॉइंट 2 है युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करना। यदि ऐसा व्यक्ति, यदि ऐसा भारतीय नागरिक जो युद्ध के समय भारत के शत्रुओं की सहायता करता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। पॉइंट नंबर 3 है जिसने गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित की हो। अगर किसी ने गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित की हो तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। पॉइंट नंबर 4 है नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर, नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर भारत सरकार उस नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। पॉइंट नंबर 5 है किसी दूसरे देश के स्त्री या पुरुष के साथ शादी करना।
अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और वह फिर किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी कर लेता है, लड़का हो या लड़की हो शादी कर लेता है, तो उसकी नागरिकता को भी भारत सरकार समाप्त कर सकती है। इसमें पॉइंट नंबर 6, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर ऐसा नागरिक जिसने देशीकरण या राष्ट्रीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और वह लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो वीडियो में जो चीज बताई है वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, अनुच्छेद 10 को याद रखना है, अनुच्छेद 11 को याद रखना है, फिर नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जाती है, 3 प्रकार से समाप्त की जाती है और समाप्ति के क्या क्या आधार हैं, वो चीज आपको याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।